हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी प्लेटर। दम आलू या डिश आपने शादी या किसी भी तरह के फंक्शन में कई बार खाई होगी। ये खाने में जितनी लाजवाब होती है बनाने में उतनी ही आसान होती है। ना प्याज, ना टमाटर, ना कोई तामझाम और ये डिश बनकर रेडी हो जाती है। तो आइए देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। यहाँ पे मैंने पानी बॉइल करने के लिए ऑलरेडी रख दिया है, जिसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। अब हमको लेने हैं छोटे आलू यानी बेबी पोटैटोज, जो मैंने लिए हैं 300 ग्राम। उसमें मैं इस तरह से फोक की मदद से होल कर रही हूँ चारों तरफ से। आप चाहे तो टूथपिक की मदद से भी होल कर सकते हैं। इसी तरह से सारे आलूओं को होल करने के बाद इसको उबलने के लिए हमें डाल देना है। 15 मिनट तक हमें इसको उबालना है। हमें सिर्फ इसे पार बॉईल ही करना है, यानी 70% ही कुक करना है। एक बार ये अच्छे से बॉईल हो जाए तो फिर हमें इसे छान लेना है। छानने के बाद ठंडा कर लेना है और इनके छिलकों को छील लेना है। आलू को छीलने के बाद इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। फिर इसमें डालना है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और इसे अच्छे से मिला लेना है। फिर अब हम यहाँ पे अपने खड़ों मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून खड़ा धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा, फिर लिया है 1 खड़ी लाल मिर्च, जावित्री और दालचीनी लिया है मैंने 1-1, फिर मैंने लिया है लौंग और काली मिर्च 4 से 5। अब इसे मैं हल्का भून रही हूँ। तब तक भूनना है जब तक हल्का हल्का खुशबू ना आने लगे। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने से पहले मैंने जो खड़ी लाल मिर्च है उसके बीजों को निकाल लेना है। अब हम इसको पीस लेंगे। पीसने के बाद इसे छलनी की मदद से हमें छान लेना है, ताकि खाने के वक्त कोई भी खड़ा मसाला हमारे मुँह में ना आए। इस तरह से अच्छे से हमें छान लेना है। फाइन पाउडर मिल जाएगा हमें, हो गया। इसमें मैं डाल रही हूँ जिंजर यानी सॉल्ट पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून और इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये हमारे ड्राई पाउडर रेडी हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे आलुओं को शैलो फ्राई करूंगी 15 से 20 मिनट के लिए एकदम धीमी आँच पे। इसे लगातार चलाते रहना है ताकि हमारे आलू जले ना। यहाँ देखिए हमारे आलू ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। इसे निकाल लेना है अच्छी तरह से, इसके जितने भी तेल हैं उसको निकाल लेना है। एक बार हमने आलूओं को निकाल लिया तो उसी तेल में हमें अपने खड़े मसाले फिर से डालने हैं। 1 तेजपत्ता, 1 टीस्पून शाहजीरा और 1 खड़ी इलायची डाली है। उसके बाद हमें इसको कुछ देर के लिए सौते कर लेना है। सौते करने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है 200 ग्राम दही, जिसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप पानी। अब विस्कर की मदद से मैं दही को अच्छी तरह से फेंट लूंगी, एक स्मूथ कंसिस्टेंसी मिल जाए तब तक हमें इसको फेंटना है। और उसके बाद इसको साइड में रख लेना है। इसमें डालना है भुना हुआ पिसा हुआ हमारे ड्राई मसाले। इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरह से चलाना है, हमें इसको छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते जाना है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, ताकि जो टेम्परेचर है मसालों का थोड़ा कूल डाउन हो जाए। कुछ देर तक हम लोग इसको चलाएंगे, उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इस तरह से थोड़ा सा पानी और डालना है और अगेन हमें चलाना है थोड़ी देर के लिए। याद रहे इसे हमें लो हीट पे ही रखना है, कम आंच पे रखना है। अब इसमें डालेंगे फेटी हुई दही। आंच को कम ही रखना है और लगातार चलाते जाना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है इसको। इसको हमको तब तक चलाना है जब तक एक बॉइल ना आ जाए। यहाँ देखिए मैं इसको लगातार चलाते जा रही हूँ, एकदम स्लो आंच पे है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे चलाएंगे और छोड़ देंगे बीच में तो हमारी दही जो है फट जाएगी। इसका ख्याल रखना है हमें और लगातार चलाते जाना है। अब आप देखेंगे हल्का हल्का बॉईल इसमें आने लगा है। बॉईल आने के बाद हम इसमें डालेंगे अपने आलू, जो हमने शैलो फ्राई करके बगल में रखे हुए हैं, वो हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसमें हमें अच्छे से चलाना है, ताकि जितने भी मसाले हैं वो हमारे आलू में अच्छी तरह से कोट हो जाए। अब इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। एक बार फिर चलाना है इसको और हम इसको ढक के रख देंगे करीबन 5 से 6 मिनट के लिए। अब हम अपना तड़का तैयार कर लेंगे, जिसके लिए लिया है मैंने 1 बड़ा चम्मच घी। इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून हींग और 1 खड़ी लाल मिर्च। अब कुछ देर पकाने के बाद इसको मैं इसका तड़का लगा देंगे हम इस तरीके से। आप देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है।
तड़का डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पकाना है हमें। ये देखिए हमारी जो डिश है बनकर रेडी हो चुकी है। इसको आप गार्निश कर लीजिए धनिया के पत्ते से। और ये जो हमारी डिश है आलू दम बनके रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।